जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्पीक में जी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी कि आपका ये फिल्मी सफर कब से शुरू हुआ, ये फिल्मी कीड़ा आपको कब काट गया? सर ये फिल्मी कीड़ा जो मुझे काटा, ये काटा 2003 में। मतलब कीड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वास्तव में ये ऐसा कीड़ा है कि जिसको भी काट लेता सर वो आदमी फिर इसी के पीछे लग जाता है। अब शौक तो बचपन से था जी, लेकिन मुंबई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जी। तो अपना मन महसूस कर परिवार ने शादीवादी कर दी और कहानी खत्म हुई। वाटर सप्लाई की नौकरी लगी जी सरकारी, लेकिन उसमें तो सर एक जिंदगी बड़ी सीमित चल रही थी कि टिफिन उठा के जाओ आओ टीवी देखो सो जाओ जी। बोरिंग जीवन चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जो चीज़ चाहता है फिर कुदरत भी उसका साथ देना शुरू कर देती है जी। कायनात है बहुत गहरी बात, सपोर्ट कर देगा, सपोर्ट कर देगा। भाई ये दिमाग में चीज चल रही थी, अचानक मैं घर पर आया और जैसे ही मैंने लोकल चैनल लगाया CVM जी गोल्ड उस टाइम आते थे जी केबल पे, तो सर उसमें फिल्म आ रही थी बहुले की छोरे ने जी। तो मैंने कहा बहुले की छोरे ने, ये तो मैंने भाषा भी हमारी यही किया। तो सर उसमें लैंग्वेज थी हरियाणा में और सोनोटेक कंपनी का बैनर उस पर सोनोटेक कोने पर लिखा जी। मैं सोचा ये तो लैंग्वेज है हमारे यहाँ की बनी फिल्म है। मैं तुरंत केबल वाले के पास पूछा, गुप्ता जी केबल वाले थे यहाँ पर सुनिए, उनके पास गया सर कल आपके यहाँ 7 से 8 के बीच में फिल्म चल रही थी। कह रहे हमें नहीं पता, ऑपरेटर बैठे हैं उसको बोलते क्या है। मैं उसके पास गया ऑपरेटर के पास, मतलब भाई कल 7 से 8 के बीच में फिल्म चल रही थी जो उसमें लैंग्वेज बिल्कुल रीजनल थी। वो कहते हैं हाँ सर वो फिल्म थी बहुले की छोड़ दी। मैं उसको कुछ कवर ओवर क्या है कुछ, तो मल्टी उसने मुझे कवर दे दिया, सीढ़ी का कवर आता था। जैसे मैंने पलटी तो उस पर एड्रेस सोनोटेक कैसेट मामा भांजा चौक हरियाणा, तो हरियाणा कंपनी चलो। तो मैं अपना एक मन लेके वहाँ पहुँचा हरियाणा, तो वहीं पर उनकी दुकान भी थी, उनकी बहुत बड़ी शॉप थी सोनोटेक की वहाँ पर। वहीं इन्होंने पीछे एक केबिन में आर्टिस्टों का ठहरने वहरने का पूरी व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। तो मैंने बता दी गाजियाबाद से आए हम, सड़क आए क्या करना चाहते हो? सर मैं हीरो बनना चाहता हूँ। एक सीधे हीरो बनो भी मैं कहा सर, लोग कहते नहीं भाई ऑडिशन देना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्ट तो हमारे चल रहे लेकिन इस तरह नहीं। तो सर इन्होंने मुझे बताया कि हमारी फिल्म की शूटिंग होने जा रही है मूंछ पाड़ लुगाई। नाम सुनते मेरा हो गया मूंछ पाड़, ये कैसे नाम है मूंछ पाड़ लुगाई? ये खैर मैंने उसमें रोल किया, उसमें मेरा छोटा सा रोल था, एक सिपाही होता हूँ मैं, पीड़ित आदमी आता अपने घरवाली से पिट के, तो मैं उसको रोकता हूँ घरवाले से पिट के आता, तो मैं सूटी खाता रहता हूँ, उसको रोकता हूँ खा जा रहा हूँ उठा के राजी मान लिया घरवाले ने पिछा मुझे जरूरत से भेजना। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर अगला प्रोजेक्ट जो रहा वो रहा ताई भैरी ताऊ बंदा, फिर एक अजीब सा नाम ताई भैरी ताऊ बंदा, ताऊ बंदा मतलब नाम बड़े अजीब से जी। उसमें छोटा सा रोल था कि ताई तेरा फोन आया, फोन ऑपरेटर जो STD PCO हुआ करता था जी, तो उसका मैं दिखा रहा बैठा हुआ PCO ओनर हूँ मैं, और किसी का फोन आता तो आप देखो गाँव देहात में क्या होता है कि वो बोल देगा कि इस टाइम मेरा फोन आएगा मुझे बुला लिए, तो इस तरह का वो कैरेक्टर था। तो मैंने ताई बनी थी पुष्पा गोसाई, सुन पुष्पा गोसाई काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट है। तो फिर उसमें रूम हमने भी जागरण में देखे तो हाँ जी हाँ जी हमने भी कराया था जी। मैंने छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं आप क्या बोले। मैंने सर इसी दौरान मैंने और कंपनियों में भी भाग अजमाना शुरू किया, मुझे पता पड़ा कि यार ये तो यहाँ है कि इनका मैन ऑफिस तो इनका वही है LR की दिल्ली। मैं तो तुमने पास पड़ेगा सर, तो मैं जैसे ही वहाँ गया मैं जा तो रहा था इनके ऑफिस पे, रास्ते में मुझे दिखाई दिया सिसोदिया कैसेट, मेरे दिमाग में तुरंत आया सिसोदिया वाले बोल दादरी वाले, तो मेरी जिज्ञासा हुई मैं सीधा 886 पर चढ़ गया, 886 का शॉप नंबर था। तो मैं पहुँचा तो सिसोदिया वाले बैठे हुए थे, मैंने सर नमस्ते नमस्ते, तो सर मैं आपको मिल रहा हूँ, मैं सर सोनो टेक में मैंने ये किया इसमें ये किया, मैंने कहते हैं हाँ मैंने देख लिया उसमें ये रोल था, तो एक दूसरे की देखते थे ये जी, समीक्षा करते थे कि हम भी आगे बनाएंगे, तो कहते हैं ठीक है हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो, तो सर आप आदेश करो। भाई लोकेशन वोकेशन है तुम्हारे पास? मैं बोलती हूँ नंबर दे दिया सुनिंदर थी तीन मेरे पास, मैंने बोल दिया कि सर हाँ मेरे पास लोकेशन भी है, कैसे लोकेशन चाहिए? कहते गाँव में घेर चाहिए इस तरह की। मैंने बोला सर हाँ मेरे पास लोकेशन की कोई जमीन नहीं है, बैठो तो रोल भी कर लोगे? मैं कहा सर भैया रोल ये बाकी कलाकार तो हो चुके हैं, बाप का रोल है। तो मैं जैसे उन्होंने बोला बाप का रोल है मेरा मूड खराब हो गया। मैं अभी से मुझे एकदम एक चीज़ याद आई यार, एक ही हैंगर को जवानी में ही बूढ़े का रोल दे दिया था, फिर उनको उस तरह के रोल नहीं चलेगा, तो मेरा दिमाग खराब हो। मैंने सोचा नहीं यार, लेकिन मैंने उनसे बोला कि फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं प्रोफाइल तो बनी रही है कलाकार करने चाहिए। तो सर मैंने उसमें
ससुर का रोल किया, एक बेटे का बाप होता हूँ जी, ससुर एक बहू का, तो घर में कलेश होता है। फिल्म का नाम था झगड़ा लोग लुगाई का, झगड़ा लोग लुगाई, हाँ वो फिल्म का वही नाम है जी, झगड़ा लोग लुगाई का, वो किया मैंने। उसके बाद मेरे पास सोनू टैक्स, फिर संतराम जी का फोन आया, संतराम जी उस टाइम छाए हुए थे जी, संतराम बंजारा पुष्पों को साई की जोड़ी गायकी भी चल रही थी जी और एक्टिंग में भी। तो फिर मुझे इन्होंने बुलाया गया नंद भाभी का झगड़ा, कोई अजीब सा नाम नंद भाभी का झगड़ा, तो उसमें मुझे रोल मिला संतराम जी के जीजा बंदे का, जैसे संतराम जी की बहन होती है उसको हीरोइन बनकर बिहार ले जाता हूँ जी जी, लेकिन सर उसमें उल्टा हो गया, उसमें मेरे डायलॉग अब मैंने भाई साहब सोचा कि अब कुछ और सोचता हूँ, फिर मैं कंपनी के पास और गया, उन्होंने मना कर दिया नहीं कि हमारा तो परमानेंट काम है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कुछ अलग अलग उन्होंने सैलरी पर रखा हुआ था जी, तो बाहर क्या होता तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक ठीक, अब सर देखो चमत्कार को नमस्कार, जब चीज़ें बनती तो बनती चली जाती है। अब सर मैं फिर घर पर लेटा हुआ था, फिर वही कहानी हो गई, कहानी क्या हुई जी सिनेमा पे, हाँ जी सिनेमा पे फिल्म आ रही थी स्पाइडरमैन, मैंने उसमें देखा उसको मकड़े काटती है वो स्पाइडरमैन बन जाता है, मेरे दिमाग में फिर वही चीज चली गया 200 साल पहले का जो हमारे बीच बनाया, फिर एक बार बना दिया। चलो बचपन में हम छोटे थे, कार्टून में आता था, चलो सदन में आता, चलो कार्टून में देखना सकता है, फिर कॉमिक साइज स्पाइडरमैन की जी वो भी, लेकिन अब रियल में अपने इतने पढ़े लिखे लोग हमारे भारत देश के वो बेवकूफ बन रहे हैं, हॉलीवुड फिल्म कितने हमारे बेवकूफ बना रही है जी, लेकिन हिंदी फिल्मों को वो लोग इतने देते नहीं। तो सर उसी समय एक घटना और चल रही थी, आपको याद होगा काला बंदर जी, दो काला बंदर वो काला बंदर क्या था, सस्पेंड था, रात में लोग घायल करता था, तो वहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया जी, क्योंकि कई बार उसकी खबरें छपी थी नकाब पोश बंदर, कभी कुछ छपती थी अखबार डेली सुर्खियां बनते थे उसके जी, तो सर वहीं से मेरे दिमाग में यही आइडिया आ गया कि सुरेंद्र इन्होंने बनी स्पाइडरमैन, हम बनाते हैं देसी स्पाइडरमैन। ठीक ठीक, अब सर प्रॉब्लम भाई सबसे बड़ी उसकी ड्रेस की, ड्रेस की बड़ी रोचक कहानी है, जब स्पाइडरमैन की ड्रेस बच्चों की तो मिलती थी लेकिन बड़ी ड्रेस कभी आती नहीं थी ये जी। तो मैं तो नाटक कंपनी हैप्पी गाले वाले को बहुत पहले तो समझाया ड्रेस की स्पाइडरमैन की, कहते धोती कुर्ता इस तरीके मिल जाएगी ये, फिर मैं गया खुशबू ड्रेस वाले के यहाँ चोपड़ा मंदिर जी, उसने भी मुझे बच्चे की दिखा दी, तो मैंने कहा ये तो मेरे कॉपीराइट का मामला बन जाएगा, जो कर वाली मैंने ड्रेस बनाई, पीले रंग का उसका मुखौटा, लाल रंग की उसकी टी शर्ट हाई नेक, काले रंग की उसकी पैंट और व्हाइट रंग के जूते जो बैंड बाजे वाले पहनते ना चैन वाले मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल वाले चैन वाले जूते लिया। अब मैं सोचा इसकी दस्ताने कैसे, तो धागा कंपनी एक हमारी है जी कभी नगर इंडस्ट्री है, धागा कंपनी में हमारे कुछ कहना जॉब करते थे, मैं उनसे कहला तुम तो मतलब दस्ताने पहरा था यहाँ तक के थे, कह रहा हाँ भैया है, मगर भाई मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं दस्ताने, मोस्टली तो मैं यहाँ तक होते देखूंगा, अच्छा उनको यहाँ तक मिलते हैं सेफ्टी के लिए, वो तो मतलब स्पाइडरमैन के यहीं तक होते हैं ड्रेस की चलती, तो धागा कंपनी में जो हमारे वो थे उनसे दस्ताने मिल गए, वो मेरे पास आया कह रहा भैया मैं दस्ताने भी प्रोवाइड किए थे मैंने आपके लिए, लेकिन अब ऐसा हो साइज घट गया है जी, वो जाड़े वाले थे वो नहीं मिल रहे छोटे, तो मैंने फिर भाई अब इस पूरी ड्रेस को मैं टेलर से सिलवाता हूँ जी, फिर वेदपाल मास्टर जी थे हमारे, बोले टेलर मास्टर जी मैंने बताया कैसे सिला, उन्होंने मुँह रखे गया, तो इस तरह से ड्रेस की तैयार हुई। अब फिर इसमें प्रॉब्लम आई सबसे ज़्यादा हीरोइन की, जो कि ये 2003 में फिल्मों में काम करना, पहली बात तो इसको ये पता नहीं था, आपने कौन से समय शुरू किया था ये किया था जी, मैंने 2003 से में शुरुआत हुई देसी स्पाइडरमैन बनाई हमने 2004 तीन में, तो मेरा समय वही चला गया छोटे मोटे रोल और वही जी, लेकिन ये रोल सब जितना नहीं मिलता था कि मल्कि जो कलाकार हो क्या रहेगा जी, तो मैंने इनको बोला चलो करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आई, स्टोरी मेरी किसी ने पास नहीं दी, सबसे पहले मैं स्टोरी को लेकर पहुँचा सोनू टैक्स जी, वैसे मैम देसी स्पाइडरमैन देखती है क्या देसी स्पाइडरमैन, ये क्या है वैसे देसी स्पाइडरमैन, ये है कि ये एक
ये योद्धा बन का है और ये लोगों को बचाएगा, जैसा हॉलीवुड का स्पाइडरमैन वो वहाँ कार्यक्रम बन गया है बच्चों का, युवाओं को जैसे ये हमारा बनेगा, उन्होंने मना कर दिया कि यार नहीं हमारा तो ये जो हमारा जो ट्रेन है विद्यार्थी ट्रेन उसमें इस तरह की चीज़ लोग पसंद नहीं करने के, हमारे तो ये चल रहे हैं कहीं और जाएंगे। मैं सुशी टोलियो वाले के पास गया, उनको भी स्टोरी सुन बनी है, पता नहीं क्या है। एक मेरे मित्र हैं मुकेश शर्मा जी, मुझे टकरा गए, वो मुझसे टाइम पास करने के लिए उन्होंने मुझे रोका, लेकिन कहानी कुछ और होगी जो बाद में बताया उन्होंने। तो आरडीसी में मिश्रा एक वो है, मिश्रा के नाम से ऑटोमोबाइल की वो है, तो अपनी गाड़ी ठीक करवा दिया महेंद्र जी, वो कह रहा सुन भाई तेरी जुम देखी मैंने केबिल का, तो पहचान कुछ खुशी मिलती है जी। तो उनमें मुझे बड़ी खुशी मिली यार, पहली बार किसी ने कहा कि तेरी जुम देखी मिली, तो मुझे और अच्छा लगा। कह रहा मैंने वहाँ बताया वो एल जी में ठेकेदार थे जी, तो वो कह रहा मैंने अपने वहाँ बताया कि लड़का हमारे गाँव का है, इसने विश्वास नहीं किया। तो एक तो तू मेरे साथ अपने एक फोटो खिंचवा, मैंने मोबाइल से थे तो जी हमने घंटा घर का फाइन स्टूडियो था एक सामने को, घंटा के सामने एक दुकान के फाइन स्टूडियो, सर वो मुझे स्पेशल देख रहा है वहाँ पर, उसने मेरे साथ फोटो खिंचवाया बहुत अच्छे, कह रहा अब मैं तो ना शाम को देख रहा अर्जेंट बना है, शाम को इसे लेकर दूंगा। अब वो मेरे से कह रहे और बता क्या चल रहा, मैं कह रहा शर्मा जी मेरी तो स्टोरी है देसी स्पाइडर में, कह रहा इसे जोर दी तो बच्चों को हो गया कुछ और है इंटरेस्ट नहीं है, हाँ एक और सोच रहा हूँ क्या देसी सोने होते थे तीन, अगर जब मैंने अच्छा उन्होंने बोलते ठीक है सुनील भाई जब तेरी स्टोरी स्टोरी पूरी जा मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे लैंडलाइन नंबर दिया जी, और सर जैसे मैंने स्टोरी की मैंने फोन चलाऊंगा शर्मा जी आप देसी स्टोरी की जा रहे हैं, और पर मेरी शर्त है जब मैं आपको इसको ब्रीफ करूंगा सुनाऊंगा उस समय वहाँ तो काफी लोग होने चाहिए जी, क्योंकि लोगों को आनंद आ रहा नहीं आ रहा, कॉमेडी पंच कहीं कर लेते तो वही मुझे पता पड़ जाएगा जी। तो सर उन्होंने लेबर बुला रही थी उनके पास, लेबर वहाँ करके काम करते हैं, जब मैंने सुनाई शुरू करी तो हंसने लगे, कहने लगे इसका खर्चा पता कितना होगा, मगर शर्मा जी इसमें लग जाएंगे एक डेढ़ लाख, कहने लगे ठीक है रिकवरी, मगर सर वो डिपेंड करता है हमारी मार्केटिंग, कहने लगा ठीक है अब तुझे कितने किए शुरू करेंगे 50 रुपये शुरू करूँ, तो हमने शुरू कर दिए। अब देखिए क्या हुआ सर, देसी सोने ने वो कीर्तिमान बनाया क्योंकि उसी दौरान गणगंगा का मेला आ रहा था जी जी, तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि नई कंपनी के हम आए तो सर हमारे साथ एक क्वालिटी से और हुई, हमारा माल किसी ने नहीं लिया, जो सोनाटेक चंदा के अधिकृत में थे डीलर उन्होंने हमारा माल बेचने को मना कर दिया, माल रखने तक को मना कर दिया, जबकि हमने बोला सर माल बिक जाए तो पैसे दे देना, ना बिके तो कोई उन्होंने बोला नहीं नहीं सर हम आपके चक्कर आप एक दो आप एक दो फ्लिप बनाओगे हट जाओगे हमारा, तो इनसे ये बोला भाई बहुत बड़ी। अब हमने एक नई ट्रिक सोची, हमने देसी सोने के पोस्टर बनवाए जी सर, और जहाँ भी गांव में गेट आया गेट पर पोस्टर देसी सोने, और हमने इसकी मार्केट में शुरू की सर जाते वहीं पे गड़गंगा जी, और वहीं पर हमने कलर एक टीवी रखा, हमने सीढ़ी पे रखा, और वहाँ हमने मतलब एक जगह ली हमने वो टेंट की दुकान मिलती है वहाँ पे सर, हमने वहाँ फिल्म चलाई, हम उस फिल्म को डेली 15 मिनट चलाया करते थे, मैं लाट सा बन के बैठ जाते चश्मे उसमें लगा कर बैठ जाता था, एक बंदा रखा जो कैश वैस पर बैठा दिया कई नहीं बैठे, तो लोग पहले फिल्म देखते थे फिर मेरे को देखते थे अच्छा लगता। अब उसके बाद क्या हुआ कि 15 मिनट होने के बाद हम उस फिल्म को बंद कर देते थे, जब लोगों को आनंद आता तभी हम बंद कर देते थे, भैया पूरी दिखाओ भैया मूवी देखना अपने घर जाके, तो जी ठीक है काम ही ले गई लगे ये नहीं यहाँ आपको बहुत बहुत ही रीजनेबल रेट मिलेगी प्रिंट रेट इसका 45 है, लेकिन हमें इस पर प्रॉफिट ना चाहिए, हमारी पहली फिल्म है घर घर तक पहुँची यही हमारे, तो सर हमने 25 लोगों को कैश हम अपने बेचा, और उसके बाद जो आग लग लगी मार्केट में, क्योंकि लोग हरियाणा से भी आते हैं आपके इसमें ब्रिज घाट में जी, और आपके राजस्थान तक से लोग आते हैं यहाँ पर नहाने के लिए, अब वो हमारी फिल्म पहुँचेगी भिवानी दूर दूर तक लोग आए ले गए, अब जिसने देखी है फिल्म तो बहुत अच्छी है, अब वो अपने डीलर के पास गए भाई देसी सोने हैं डीलर हो गए पागल ना देसी सोने क्या बवाल है, वहाँ 3-4 कस्टमर आ गए, उन्होंने फोन किया हंसराज जी को, अरे भाई हंसराज जी यार ये कोई नई कंपनी आई कोई सोने वाले फिल्म बनी है यार, मुझे तो पता नहीं, मुझे एक बंदा गाजियाबाद का लेकर तो आया था स्टोरी सी, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर मिलाया तो स्पाइडरमैन सोने से भाई, अरे यार कहीं उसने तो नहीं बनाई बना दी वो, तो उस समय घर पर लैंडलाइन फोन तक चाचा जी गए, चाचा जी MTNL में थे, उनके यहाँ फोन आया मैंने कोई नंबर दिया था, हंसराज जी का जब फोन आया मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे भाई कलाकार भाई कहाँ हो, अरे यार तुम्हारे देशों में जो है बड़ी धूम मचा रही है, अब कहा होगा सर मैं तो इसकी मार्केटिंग मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रोड्यूसर से वादा किया है मैं उसके पैसे निकल के बोलूँगा, क्योंकि उसने मेरे प्रोजेक्ट पर भरोसा किया, अरे छोड़ो आप तुम्हारा नाम छोटा जुड़ रहा है ये हो रहा, मैंने बोला ना सर
मैं पहले उस आदमी के पैसे दे दूंगा, बाद में आपसे मिलूंगा। ये बातें हंसराज जी को इतनी अच्छी लगी कि पहले तो मैं सुना इनको बुरा लगता है, ये वफादारी थी आपके अंदर, देखो दो पैसे लगा मेरे विश्वास पर, यार फिल्म तो तुम्हारी सुपर डोरी है, अब ये बताओ इसके राइट साथ हमें दे रहे हो, तो राइट ही नहीं लेकिन यार तुम इसकी इतनी मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, हमारे डीलर हर जगह, हमारा पहले रोड 50,000 का होता, तुमने कितना माल बनवाया, मतलब हमने 5,000 की बनवाई, अरे तुम्हें बहुत समय लगेगा भाई। तो हमने मैंने मुकेश शर्मा जी को बताया, उस तरह ऐसे सरकार जी उन्होंने मैंने कर दिया यार इसके भाई हम अपने पास रखते हैं। उसके बाद सर दुकान चली मेरी सोच सोच सोने के बाद फिर मैंने स्पाइडर मैन, अब स्पाइडर मैन में कोई समस्या एल जी में कुछ लॉस हुआ, सर शर्मा जी की कहानी खत्म हुई, बड़े सुन भाई मैं तो अब बना नहीं पाऊंगा, एक घटना जीवन में और थोड़ी सी गलत होगी, कहा तो हमने फिल्म हिट दी मार्केट में, लेकिन एक शर्मा जी से गलती होगी, उन्होंने फिल्म बंदे ने किसी और ने बनाई और सब बेचने के लिए आया, फिल्म का नाम था छोरी गंगा किनारे वाली, सर वो फिल्म पूरी तरह फ्लॉप रही और फिर शर्मा जी का भी थोड़ा सा पीक टाइम बुरा समय हुआ, कहानी कहानी कुछ अच्छा समय पूरा चलते रहता है आपको सर, फिर मैं एक बार निराश हुआ जी, मैं सोचा देसी सुन ले, मगर इस देसी शब्द की उत्पत्ति कर दी सोच रहा था, अब तो हर फिल्म पर आगे देसी जो होगा, तो सर मैंने लिखी थी देसी स्पाइडर मैन, देसी स्पाइडर मैन में हमारे भाई साहब हैं वो सी एल में थे, उन्होंने देसी फिल्म लिखी बस मैं मुंबई का कैपेसिटी बन जा मैं पहुँच रही है, वो हमारी एंट्री में जिक्र हुआ, और जब उन्होंने दिखाई मुझे कहना ये तो भाई लगे कहना अब है कुछ बना भैया है बोल सी है देसी स्पाइडर मैन, अरे अच्छा चल तो भाई साहब उनको उन्होंने मेरा साथ दिया और देसी शोले उस टाइम पर तो फ्लो करेंगे बिल्कुल सिंह बताएंगे, देसी शोले उस टाइम में बनानी थी पौने 2-2 लाख में, देसी वो देसी पार्ट में सॉरी, अच्छा वो 50% अपनी कलेक्शन करता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट लोगों से मिल रहा है, तो बच्चों का था ना उस समय, मैंने सुना था बच्चों को स्कूल छोड़ना ये सब करना, मैंने सोशल एक्टिविटी मैंने ज़्यादा नहीं दिखाई उसकी जी, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैं सुने तो दिल्ली एक्सेंट भी काम करो सब बना ले गया, तू हिसाब हो तू रीमेक ही बना, जब रीमेक लोग पसंद कर रहे हैं तो सर उस टाइम तो मैंने देसी छोले फिर देसी स्पाइडरमैन, फिर मेरे दिमाग में आइडिया हो रहा है घातक फिल्म आ रही थी बहुत रिलीज होती थी, तो घातक का रीमेक लिखा हमने यूपी का घातक, कल्पना किया सनी देओल गाजियाबाद का होता खासतौर से यूपी का होता तो फिल्म कैसी होती जी, तो उसमें दिखाया मैंने सनी देओल अपने पिताजी को इलाज कराने बनारस से मुंबई आता है, हमने उल्टा कर दिया, सनी देओल रजापुर गांव से अपने पिताजी के इलाज कराने गाजियाबाद में आता है जी, उसके साथ वहाँ एक ट्राई करती हैं, तो यूपी का घातक ने सर रिकॉर्ड तोड़ा जी, यूपी का घातक का यह हाल रहा कि सीढ़ी की पूर्ति नहीं कर पाए और वो पहली सीढ़ी फिल्म थी जो पायरेसी हुई, या तो पायरेसी ढाकर छोरा भी हुई, इधर ढाकर छोरा ही भी सोचा कि इधर मेरी यूपी का घातक देसी सोने घातक ने रिकॉर्ड बनाया, घातक से कम कमाई की सर हमने, घातक समेट दी थी हमने 2-2 लाख के आसपास में, और यूपी घातक से जो हमारी कलेक्शन रही वो रही 7.5 लाख उस अच्छे, तो उसके बाद फिर हमने यूपी के योद्धा, उसके बाद सर क्या हुआ आपको बताइए, जब पार्टनर जाते हो तो बजाते हैं तो कई बार विचारधारा नहीं मिल पा जी जी, तो पार्टनर हमारे ऐसे थे वो सखी टाइप पे जा रहे थे, मेरे उन नए जो कलाए हमारे विचार चलते रहे बढ़िया थे, लेकिन बस उनकी कुछ चीज़ें धीरे धीरे उन्होंने कंपनी से हाथ खींच ली, फिर मैंने सोचा सुरेंद्र भाई अब नाम तो तेरा चल पड़ा है चल भाई तो फ्री लॉस काम कर दिक्कत क्या है, बस फिर मैंने फिर मुझे कॉन्फिडेंस हुआ और कंपनी में, फिर मैंने जैन युग में करी चार अनाड़ी पक्के खिलाड़ी जी, ठीक है जी चुन्नी नीचे गिर पड़ी तो मैं नहीं सुनती, मतलब इसमें हंसते हंसते पागल हो गए, हकला जरूर बोलता था जी, तो उसमें मेरा एक डायलॉग बड़ा हिट हुआ, ओए बिना हत्ती के जनरेटर चुप हो जा, मतलब हकला कहीं और बिना हत्ती के जनरेटर उसे पता ही हो तो अपना खो जाओ, तो उस कैरेक्टर ने लोगों को एक नई चीज दी, कॉमेडी का जन्म हुआ, उसके बाद मैंने 5 कुंवारे अकल के मारे जी, तो इस तरह के कैरेक्टर पर मुझे भी आनंद आना काम करता, एक नया मतलब कॉमेडी शुरू हुआ, उसके बाद यूपी के योद्धा कर्मागर रीमेक, फिर एक फिल्म आई आशिक बनाया आपने जी, मैंने सोचा आशिक बनाया आपने, फिर मेरे दोस्त ने मुझे किस्सा बताया सुनने भाई मेरा ब्रेकअप हो गया
जब पैसा तो साथ थी, अब यार ब्रेकअप हो गया, अब मैं उसके घर पर गया तो उसने मुझे पिटवा उड़ दिया। मैंने टाइटल दे दिया आशिक पिटवाया आपने, मैंने आशिक पिटवाया बोली थी, वो मैंने तेरे नाम का थोड़ा सा मिक्स किया। जैसे उसमें दिखाते हो जो जाती तो टोकता आशीर्वाद कर, उसमें राधे मोहन का मैंने कर दिया उसको आधे मोहन, फिल्म का नाम चेंज करा, आशिक पिटवाया आपने सुपर डुपर, और उस कंपनी को एक कंपनी थी कृष्णा कैसेटी जी, जिसने सेक्स लीला का जन्म दिया है जी, कृष्णा कैसेटी पर वो रिलीज हुई, और वो भी भाई का फोन आया सुरेंद्र भाई आशिक पिटवाया आपने की 1,00,000 सी जी। मगर सर ठीक है, उसके बाद फिर और चली कहानी आ गई, फिर वर्ष आया 2007, मेरे दिमाग में आइडिया आया सुरेंद्र अब मीडिया में पूछता आगे तुम्हारी फिल्में किस कैटेगरी की होती हैं, इसके कुछ नाम दिया है। तो सर मैंने 18 अगस्त 2007 को मेरे दिमाग में आइडिया आया, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड है इसका कल्चर भी हमारे गाँव को होता है, तुमने किसी के नाम दिया, तो मैंने उसको नाम दिया विद्यार्थी को। मैंने सभी को बोला यार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, आप मेरे प्रोग्राम में आ जाना। लोगों सोचा फिल्म में काम मिल रहा है, दिमाग चल गया पागल हो गया जी। तो सर मैंने खुद ही 19 तारीख को मैंने फ्लैश बनवाया, इन्विटेशन छपवाए, और मैं खुद अमर उजाला दैनिक जागरण हिंदुस्तान सबके ऑफिसों में गया, लोकल अखबार तक में मैं खुद गया, और मैं खुद उनको इन्विटेशन लेकर आया, और जब मीडिया वहाँ पर आया तो सर उन्हें समोसे चाय भी मैं ही सर्व कर रहा था, और वो बड़े बड़े मीडिया वाले थोड़ा कंफ्यूज हुए जी, क्या सुरेंद्र भाई एक बात तो बताओ वो कहा है तुम्हारी हीरो हीरोइन हो गई, कहाँ तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। मैंने कहा सर फिलहाल हूँ वन मैन आर्मी, तुम्हारी बड़ी इंप्रेस हो यार ये बंदा का कार्ड नहीं रहा सर। हाँ तो यार ये फ्लैक्स हो जाता है बेटा, चाय भी सर बड़ा समोसे भी है, मतलब इसके अंदर कुछ करने का जरूर है। सुरेंद्र भाई नाम तो दिखा, तो सर मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली है अगले दिन जी 20 तारीख को मैंने प्रोग्राम किया 20 अगस्त 2007 को, अकेला बैठा हूँ, और मुझे सबसे बड़ी खुशी जब मिली जब अमर उजाला दैनिक जागरण में वो खबर बड़ी प्रमुखता के साथ छपी गाजियाबाद वाले पेज पर जी, तो सर पहली बार मुझे खुशी मिली, और गाँव के लोग सोचे मेरे पापा हो गए यहाँ पे जी, आ तो तेरी लड़की का फोन छपा है अनोखा काम किया, तो मैंने बोल दिया कि हम ध्यातपुर हॉलीवुड बॉलीवुड की तर्ज पर होगा ध्यातपुर, और इसकी स्थापना गाजियाबाद में रहेगी, आने वाले समय में लोग गाजियाबाद को ध्यातपुर नगरी के नाम से भी जानेंगे। तो अब सर किसी चीज़ को करना और बरकरार रखना उन्होंने बहुत बड़ा अंतर है, अब ये नाम दे तो दिया ध्यातपुर, लेकिन देहाती में करूँ क्या, कोई प्रॉब्लम स्थिति मैंने कहीं में तो समझाया आओ आओ लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया। इसी दौरान क्या हुआ मेरे साथ एक घटना घटी, घटना ही घटी कि जैसे ही मैंने इसको नाम दिया ध्यानती हूँ लोगों ने मुझे सन की, और कंपनी वालों को लोगों लग गया कि सुरेंद्र ने अपने बैनर बना लिया है, तो इसे काम देना बंद करो, सभी हर काम मिलना बंद हो गया, यानी मैं उनका कंप्लीट हो गया जी। अब राहें और मुश्किल फिर एक बार जी जी, लेकिन सर एक बात है कि आदमी का जुर्म है तो फिर राहें खुलती भी है जी। दुर्गा प्रसाद जी आज हमारे बीच में नहीं हो, राम प्रस्ताव जो प्रोजेक्ट है जी और वसुंधरा वाले उसके वो वकील थे, कला प्रेमी आदमी, उनकी माँ की कुआ आ रही थी क्या बोलते हैं बरसी, वो टकराए किसी के थ्रू आए, वहाँ प्रमोट पर मेरा ऑफिस था सिद्धा मार्केट में, वो आए कि सुरेंद्र भाई यार मेरी माँ की बरसी आ रही, कुछ पारिवारिक मैटर है, बताओ किस तरह का लिखो यार, ऐसा लिखो आजकल जो मुआवजे मिल रहे हैं मुआवजे के मिलने के बाद लोग ना तो माँ बाप की इज्जत करते ना कुछ करते, उन्होंने मुझे थीम दे दी और मैंने दे दी, तो सर मैंने लिखी सपूत बने कपूत जी, सपूत बने कपूत बनाई सर, अब क्या हमने एक नया प्रयोग किया, अब तक हम 1 घंटे की बना रहे थे सर, सपूत बने कपूत से हमने बिल्कुल मूवी की तरह 2 घंटे की बनाई वो सपूत, और सबसे बड़ा बेनिफिट सपूत बने कपूत में गिरा सर उस फिल्म की ना तो लिखोगे उनकी माँ की बरसी का टाइम कम रह गया था, मेरे पास ना तो स्क्रिप्ट लिखने का टाइम था, बस उन्होंने थीम बताई, मैंने कहा सीधे सैड को बुलाए, मैं उनको सिचुएशन बताता था और कहा तो सीधे हम डायलॉग बोलते चले गए, और फिल्म बनते बनते फिल्म की लेंथ पहुँच गई 2 घंटे से भी ऊपर। तो जब मैंने उनको बताया एक दिन वो सेट पाए, कहने लगे यार सुरेंद्र जरा स्क्रिप्ट लिखा ना भाई, स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर फिल्म कैसे बन रही है, यहाँ से बन रही है यानी हार्ड डिस्क जो है वो तो बहुत खुश हुए, और सर फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट जब मिला, जब वो फिल्म चली और केबल वालों से जब लोगों ने बार बार रिपीट की, मतलब वो फिल्म सुबह को ब्रेकफास्ट में चलनी शुरू होगी, दोपहर को लंच और रात को डिनर, मतलब पारिवारिक ड्रामा हर आदमी के साथ ऐसी घटना चल रही थी जी। तो उसमें हमने अपना एड्रेस भी छोड़ रखा था सीढ़ी के पीछे, और नंबर भी छोड़ा हुआ था, इसी दौरान मोबाइल पता ही आपको मोबाइल मार्केट में आ चुके थे, तो सर हमारे पास फोन आते थे जिन जिन लोगों को मुआवजा मिल रहा था, बेटा तूने हमारी आँख खोल दी, हम तो सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा बच्चों के नाम करना सोच रहे थे, अब नहीं करेंगे। बहुत अच्छा ये बुढ़ापे मार सकते, अच्छा इधर
अब रात के टाइम उनके फोन आने लगे जो नए क्लिनिक के जो अधिकारी प्रॉपर्टी के नाम नहीं कर रहे थे। अरे भाई साहब तैने कासान कर दिया यू, अरे भाई तो पार प्रॉपर्टी नाम कर रहे पैसा मेरे नाम होने वाला, तैने कहा बना दी यू। तो मैं सोचा है की जा रही है क्या रही है, फिर मैंने लगा कि यार लोगों को मतलब लोग समाज में अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो सर फिर मुझे गाजियाबाद प्रशासन ने मुझे उसके लिए सम्मानित किया जी, उसके लिए मुझे बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर ने मुझे बहुत अच्छे फिर करण क्राइम ने मुझे उसी फिल्म के लिए करण क्राइम ने मुझे सम्मानित किया। और धीरे धीरे मेरे एक हौसला फिल्म सर मुझे बस फिर उस फिल्म के मुझे मतलब एक डेढ़ महीने मुझे कई अवार्ड मिले, तो मेरा सीना फिर चौड़ा हुआ चौड़ा हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया आइडिया, चलो ये हो गई अब क्या किया जाए, गदर गदर का आइडिया तो ऐसा आया मेरे से चल गई उसमें था सगीना हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हमने क्या हम लोगों को सोच मनोरंजन नहीं है, हमने उल्टा किया हमारे यहाँ तक। अच्छा गाजियाबाद को कर दिया मैंने गाजियाबाद, जो पुराने बड़े बुड्ढे हैं वो आज भी गाजियाबाद में बोलते हैं गाजियाबाद गे आ जे ए बाद, और बुलंदशहर का नाम कर दिया मैंने बिलम शहर, बिलम बिलम शहर कह रहे हो सर मैंने वो बनाए 2011 में, लेकिन सेंसर ने उसके कुछ सीन कॉपीराइट आया जी। तो अब वो फिल्म मुश्किल से 55 मिनट की रह गई है, 55 मिनट 55 सेकंड की पड़ी जबकि उसमें 2 घंटे कौन सी देसी गदर देसी गदर योग तो पड़ी है योग दाते सर। फिर उसके बाद जो मैं एक एमरजी फिल्म में भी सम्मानित हुआ देसी गदर ने वो रिकॉर्ड बनाया कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैं भी जितने भी इवेंट में गया लोगों ने मुझसे यही कहा कि सुरेंद्र भाई वो ही सुना दो, क्योंकि उसमें था मैं निकला गड्डी लेके, मैंने कह दिया मैं निकला बुक्की लेके जी, तो उसमें गाना था उड़ जा काले कागज तेरे मुंह में छंट पाऊंगा, हमने उसे कर दिया मर जा मेरे सुसरे परे को क्यों तू रे रोवे तेरी मम्मी ताड़ के चादर बिलम शहर में सोवे। एक सुनाई दो। अरे सुनाई दो जी। तो सर उसमें था मैं निकला बुक्की लेके, तो हमने मैं निकला गड्डी लेके, हमने कर दिया हमारी उल्टा हो गया। उसमें सनीजोर अपने बेटे को लेकर जाता है, लेकिन इसमें सनीजोर कहता है पढ़ाई बजान दे गोद में लेके गाया है वही ऊर्जा काले कागज हमने क्या दिया। मर जा मेरे सुसरे परे को क्यों तू रे रोवे तेरी मम्मी तान के चादर बिलम शहर में सोवे, हाथों में मेरे छाले पड़ गए रोटी पोते पोते आंखें मेरी भर आई तेरे पोदड़े धोते धोते के चुप हो जा मेरे छोरे चलेंगे तेरी मम्मी धोरे। तो फिर इस फिल्म से सीढ़ी पर गिर गई, फिर उसके बाद यूट्यूब पर इतना टाइम आया तो लोगों ने इसे यूट्यूब पर पसंद किया, कारवा और आगे बढ़ा धीरे धीरे, अब लोगों को लगने लगा दिया ना देहा ट्यून। अच्छा इसमें मैंने सर एक काम और किया, पोजिशन तक आ चुका था तब। हाँ जी ये कौन से की बात है ये सर 2011 जी। फिर एक बुरी खबर आई सर 2012 में जी, 2012 में पायरेसी ने ऐसे पैर पसारे और पायरेसी होने के कारण सीडी फिल्म का दौर खत्म हो गया। हाँ क्योंकि लॉस होने लगा, लोगों ने जगह जगह वो क्या करते थे रैपर छापते थे नकली सीडी की कॉपी की, तो इस तरह से कंपनी को घाटा होना शुरू हुआ धीरे धीरे 2012 में आके ये उद्योग सिमट गया। इसी दौरान सर मैंने फिर थोड़ा प्रॉपर्टी का काम किया, आज जिंदगी चलाने की सारी लेकिन ब्रेक उसका मिल गई, मेरे दोस्त ने बताया सुनना तो अपनी फिल्म में यूज करना चाहता है, मैंने कहा ये क्या कह रहा ये तो बैग से लिए घूमने जाए इसकी योजना हो जाए फिल्म को डाल दो उस पर कुछ ये खाली आ गया मीटिंग करा पार्टी का कुछ दिखाना लैपटॉप पर दिखा अपनी प्रोफाइल ऐसा कर। तो यूट्यूब हमने इस्तेमाल तो इसलिए किया
कि एक हमारी है अलमारी है, हमने अपनी संपत्ति रख दी इसमें जी। लेकिन सर फिर बाद में पता पड़ा कि यूट्यूब पैसे दे रहा है, फिर धीरे दूर आ गया, तो फिर दोबारा से मैंने देखा बहुत कंपनी यूट्यूब कर रही है, फिर दोबारा से कंपनी वालों का फोन आया जी। फिर मेरे पास एक कंपनी का फोन आया, उन्होंने बताया सुनबा का प्रोजेक्ट है बढ़िया सर, क्या है मेरा है लव इन ऋषिकेश, इसमें क्या लिखा होगा कुछ बढ़िया सुन लो सर, लव इन ऋषिकेश इतनी हिट हुई 23 मिलियन, दो साल में 23 मिलियन व्यूवर दिए उसने, लेकिन जो वेंडर थे उसके वहाँ मेरे खिलाफ कुछ लोगों की साजिश थी, कह रही है दो दो बार जिंदा फिर हो गया सारा, फिर आपके ने इंटरव्यू दे दी, तो उन लोगों ने कुछ टेक्निकल फॉल्ट दिखा के चार वीडियो अपनी डिलीट लगाई और उसी में उन्होंने मेरी देसी उस लेवल स्किल को उड़ा दिया, लेकिन उस फिल्म को मैं दोबारा फिर बना गया हूँ, स्टोरी वही है सब कुछ है, फिल्मांकन बहुत अच्छा है, बस दो एक चीज़ें बदली है उसमें, दो एक तो फिल्म की हीरोइन चेंज हो गई है, कलाकार चेंज हुए कुछ, और एक फिल्मांकन में जमीन आसमान का अंतर है, मतलब फिल्मांकन की दृष्टि से देखें तो ये ज़्यादा अच्छी है तो अब बनाई है, और एक्टिंग की दृष्टि से देखें लोगों की दृष्टि देखें तो पहले वाली अच्छी थी, तो इसलिए वजन बचाने के लिए ये किया हुआ है, और अब फिर धीरे धीरे और मेरे पास कंपनी वालों के फ़ोन आने शुरू हुए, फिर कुछ कंपनी ने मुझे बॉन्ड करना चाहा दोबारा जी, क्योंकि बॉन्ड का एक कलाकार का जीवन खत्म हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं बॉन्ड करते हैं, उसके बाद वो साल भर में कलाकार को बॉन्ड करके वो बोलते हैं साल भर में जितने बनाएंगे, लेकिन होता उल्टा है वो नहीं बनाते, वो नहीं कहा जो मैं इसलिए मैंने बॉन्ड ना होकर मैंने स्वतंत्र रूप से काम किया जी। अब जब ये दौर खत्म होगा तो मैं सब कुछ खत्म होगा, लेकिन फिर चमत्कार ये हुआ, मैं 2018 में घर पर लेटा हुआ था, मेरे दोस्त का फोन आया था, मेरे साथ पड़ा था जैनमती को, तो आजकल है वो ऑस्ट्रेलिया में गुरदीप का फोन आया था, सुरेंद्र भाई कह रहा तेरी फिल्म देसी स्पाइडरमैन को टॉम हॉलैंड देख रहा है, बोले पे टॉम हॉलैंड कह रहा जो असली स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड जिसकी होमकमिंग मूवी आ रही है, यार वो तेरी मूवी पूरे मस्ती कर रहा है यार, ये बहुत बड़ा चीज है, कौन विश्वास करेगा भाई, तो कह रहा मैं लिंक भेज रहा हूँ, तो मतलब जैसे उसने लिंक भेजा वही लिंक मैंने मीडिया वाले ग्रुप पर शेयर कर दिया, तो सबसे पहले जो मेरे पास फोन आया वो दैनिक जागरण से आया, मैं जुड़ा था मीडिया वाले से, उन्होंने कहा था ये सुरेंद्र आप ही हो कहाँ सर, भाई स्पाइडरमैन आप ही हो, मैं तो भैया आइए RDC में ऑफिसर आए, तो सबसे पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू लगाया, फिर धीरे धीरे और मेरे पास खुद मीडिया के फोन आया, भाई तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उन्होंने फिर लोगों ने अखबार सबने सुरेंद्र मारने के गाजियाबाद का नाम रोशन हॉलीवुड तक पहुंची गाजियाबाद में बनी फिल्म इस तरह से, तो सर एक तो काम चल रहा है, और अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना हम स्पाइडरमैन को दो बार जिंदा करते हैं, तो उसकी अब सीरीज पर काम चल रहा है, दूसरा एक अहम प्रोजेक्ट है जल गंगा मैया का, जल गंगा मैया के जब नवा मिलने का आगाज हुआ था 2016 में, मैंने वहाँ शुरुआत की थी, लेकिन बीच में उमा भारती जी को हटा दिया गया, फिर ये प्रोजेक्ट थोड़ा खटना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना एक समय होता है तो काम जल्दी होता है जी, तो सर उसी पर काम चल रहा है और उसी के लिए ऑडिशन वगैरह चल रहे हैं, और बहुत जल्दी एक ऑडिशन कल परसों होने जा रहा है जी, वो भी भगवान ने चाहे तो मैं आपका स्पेस मुझे अच्छा लगा वो ऑडिशन में यही करूँगा, दिल्ली से 6-7 मॉडल आ रहे हैं, मतलब पहला जो ऑडिशन गंगा का है वो हमने क्या था वैशाली में, ये सेकेंड रहेगा जी, और बस सर इस पर काम चल रहा है, और सर इसमें एक प्लानिंग हमने ये की है, दूसरा अचीवमेंट भी हालांकि गंगा के लिए देश के कोने कोने से जो प्रोजेक्ट आए हुए हैं, लेकिन हमारा डिफरेंट है, मैंने गूगल सर्च इंजन पर पूरा टाइटल वगैरह सब सर्च करके और स्टोरी मिली है इस तरीके से, माँ गंगा स्वयं बताएगी मैं क्या के लोगों ने क्या बताया, तो सर हमने इसमें ये प्लानिंग की है, हम पूरे गाजियाबाद शहर से इसमें केवल 108 लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हिंदू संस्कृति का शुभ होता है 1008 हो गया 108 हो गया, तो हमने ये प्लानिंग की है कि 108 हम लोग जोड़ेंगे पूरे गाजियाबाद से, अब देखते हैं वो 108 और भाग्यशाली लोग होंगे, उसमें से हमने प्लानिंग की है जो उनका सहयोग रहेगा, सहयोग के बाद हमने तो एक सबसे बड़ी बात ये सर उनका एक मतलब एक आम इंसान दे देंगे इस प्रोजेक्ट को, आम इंसान दे देंगे यादगार प्रोजेक्ट है, और उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी कहेंगे यार हमारे दादा ने कुछ किया था, एक फिल्म बनी थी उसमें उनको भी जुड़े थे सहयोग था, एक स्वास्थ्य प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उन लोगों को सहयोगी भगीरथ माँ गंगा, तो सहयोगी भगीरथ माँ गंगा के नाम से सर्टिफिकेट देंगे उनका सम्मान, और इसमें किसी ने कोई बोलिए मतलब इसमें जो भी एमजीएन होगी वो वाली बात, दूसरी बात यह है कि अगर इसमें छोटा भी कोई स्पॉन्सर है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें किसी की
भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही, क्योंकि माँ गंगा केवल हमारी नहीं है, माँ गंगा सभी की है। तो सर फिलहाल के जी बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद जी कि आप अपने मकसद में कामयाब हो, ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद।